तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम राहुल, मैं गया बिहार से बिलोंग करता हूँ और आज का पावरफुल प्रेजेंटेशन मैं स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, आज हमारे साथ 26 लोग कनेक्ट हो चुके हैं, जो एक एक्टिव प्लेयर है जो हमेशा हमारे साथ कनेक्ट होते हैं। चाहे हम लोग मीटिंग को रेगुलर लें, चाहे हम लोग मीटिंग को 10 दिन बाद क्यों ना लें, यह एक्टिव लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि मीटिंग का लिंक कब होगा। आप सभी लोग एक्टिविटी दिखाते हैं, सभी लोग डीएम करते हैं कि सर मीटिंग होना चाहिए। तो दोस्तों, मैं लाइव आ चुका हूँ आप सभी लोग के सामने और रेगुलर हम लोग मीटिंग करेंगे और भी बेहतरीन अपडेट के साथ। हम लोग बेटर स्कूल में अपने अर्न पावर को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। टोकन की संख्या को हम लोग कंटिन्यू अर्न करने वाले वाले दोस्तों, और अच्छा खासा प्रॉफिट हम लोग यहाँ से बनाने वाले हैं सभी लोग मिलके। तो सबसे पहले हम लोग स्क्रीन शेयर करते हैं, कुछ अपडेट्स छोटा सा उसको हम लोग पहले क्लियर करते हैं दोस्तों, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं चीजों के ऊपर। सबसे पहला बात, हमारे पास 8 मिलियन की कम्युनिटी है, 80 लाख प्लेयर हमारे साथ कनेक्ट होकर सक्सेसफुली गेम को प्ले कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है एक प्ले टू अर्न क्रिप्टो बेस्ड प्रोजेक्ट का। उस पर अगर हम लोग एक्टिव कम्युनिटी की बात करें, जो मार्केट में हर एक एक्टिविटी को कर रहा, पूरा कर रहा हर एक चीज, तो अगर हम लोग बात करें तो लगभग 53 मिलियन ऐसे लोग हैं जो हर हर एक्टिविटी को फॉलो कर रहे हैं, हर एक एक्टिविटी को कर रहे हैं वो सारे लोग। तो जैसा कि अभी आपने न्यूज रिपोर्ट में सुना, हमारा पूरा मार्केट के बारे में कंपनी ने जानकारी दिया, बुल हमारा, कि मार्केट किस प्रकार से हाई जाएगा, कब डाउन जाएगा, क्यों डाउन जाएगा, कहाँ ट्रांजेक्शन हुआ, कैसा ट्रांजेक्शन हुआ, ये सारा चीज हम लोग सुने। और बेटर्स बुल के बारे में भी सुने कि हमारा पहला चरण जो है वो सक्सेसफुली रन हो रहा है, सभी लोग अपना अर्न पर आवर को इंक्रीज कर रहे हैं, पे आउट कर रहे हैं, फ्रीज कर रहे हैं और स्प्लिटिंग रिवॉर्ड कर रहे हैं सभी लोग। तो पहला पहला चरण हमारा 16 सितंबर से स्टार्ट हुआ था और ये आपके सामने लगभग 31 अक्टूबर तक सक्सेसफुली रहेगा। 31 अक्टूबर 2024, अभी भी 25 तारीख है, लगभग 5 दिन बचा हुआ है हम सभी लोगों को। जितना ज्यादा हम लोग अर्न पर आवर बनाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं। उसके बाद हमारे जो एयर ड्रॉप है, जो हमारा अर्न पर आवर जो बना हुआ है, उसे हम लोग पे आउट नहीं कर पाएंगे। पे आउट हम लोग कब करेंगे, वो नेक्स्ट सेशन के बाद, जब दूसरा सेशन स्टार्ट होगा, यानी कि नवंबर में। एक्सचेंज की लिस्टिंग है, सॉरी, फरवरी 2025, जिससे हमारा बुल अभी बताया वीडियो में कि फरवरी 2025 में नेक्स्ट सेशन का जो पे आउट है वो स्टार्ट होने वाला है। तब तक हमें क्या करना पड़ेगा, सेम प्रोसेस करना पड़ेगा, टैप करना पड़ेगा, टास्क पूरा करना पड़ेगा, माइंड कार्ड्स करके सारे कार्ड्स को अनलॉक करना पड़ेगा दोस्तों। और जो पहला सेशन का जितना भी टोकन आपका पास पे आउट है, उसे नवंबर में एक्सचेंज प्लेस्ड होगा। कौन एक्सचेंज प्लेस्ड होगा अभी पता नहीं है, वो आपको बहुत जल्द पता चलेगा कि बुल टोकन सबसे पहले कौन सा एक्सचेंज पे लिस्ट होगा दोस्त। मेरे अनुसार से कॉइन स्टोर है, कॉइन स्टोर पर टोकन लिस्ट होने का पूरा पूरा संभावना मेरे अनुसार से लग रहा है। तो उसके अभी ग्रुप में आएगा अपडेट आएंगे कि 1 नवंबर टोकन कौन से एक्सचेंज पे लिस्ट होगा, कौन से प्राइस पे लिस्ट होगा। तो हम लोग चाहेंगे तो टोकन को बेच सकते हैं, लेकिन अगर नहीं चाहेंगे तो हम लोग फ्रीज कर सकते हैं, और जो रिवॉर्ड हमें मिल रहा है वो रिवॉर्ड हमारे पास कंटिन्यू मिलता रहेगा दोस्तों। तो हम सभी लोगों को गेम को बंद नहीं करना है, चाहे पे आउट हम लोग ले लें या ना ले दोस्तों, हम लोग गेम को कंटिन्यू करना है। हमें टैप करने का जो प्रोसेस है उसे कंटिन्यू करने की जरूरत है। टैप करके अपना गेम यूरो का यूज करना है, डेली टास्क को पूरा करना है हम सभी लोगों को, और फ्रेंड्स को रेफर करना, माइंड कार्ड को परचेस करना हम सभी लोगों के लिए बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ नया फ्रेंड्स को रेफर करना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे लिए दोस्तों। अब देखिए, हमें कार्ड्स को क्यों परचेस करना है,
आप सभी को पता है कि लगभग 50 फ्रेंड रेफर करेंगे तो हमारे लिए बाकी का कार्ड ओपन होगा। अब देखिए, जिस प्रकार से बहुत सारे लोगों का माइंडसेट क्या है, एक बार मैंने एंड पर आवर किया, उसको फ्रिज किया, रिवॉर्ड ले रहा दोस्तों। अगर आप डे वन में जो रिवॉर्ड आपका पास आया $1, $2, $3 का, उसको आप कंटिन्यू रखना चाहते हो तो आपके अर्न पर आवर को भी इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि जो कैलकुलेशन सेट हो रहा है, मतलब टोटल जितना फ्रीजिंग है उसमें सब में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो आपका भी अर्न पर आवर इंक्रीज होना चाहिए। जैसे रिवॉर्ड धीरे धीरे घट रहा है, आपका अर्न पर आवर धीरे धीरे बढ़ना चाहिए, तो आप उस प्रॉफिट को जो भी आ रहा है उसको कंटिन्यू रख सकते हो आप। तो अर्न पर आवर हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसीलिए, और फ्रेंड्स रेफर करना इसीलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है हम सभी लोगों को। हम सभी को यूटिलिटी के बारे में बहुत ही पता है कि बुल टोकन मार्केट में क्या करने वाला है, हमको पता है कि हम लोग बुल टोकन का स्प्लिटिंग कर रहे हैं और अल्टीमा टोकन में हम लोग रिवॉर्ड अर्न कर पा रहे हैं। हमको पता है कि नवंबर के अंदर पर टोकन अलग अलग एक्सचेंज लिस्ट होने वाला है, और इसका साथ साथ सिर्फ स्पोर्ट के साथ साथ ये फ्यूचर ट्रेडिंग के साथ भी टोकन लिस्ट होगा, जो 10x लेवरेज के साथ लिस्ट होगा दोस्तों। इसके बारे में हम सभी लोगों को पता होना चाहिए। बाकी हम सभी लोगों को रिवॉर्ड कैलकुलेशन के बारे में पता है। अब देखिए, ये फोटो काफी पुराना है, इसमें आपको दिख रहा होगा, एक मिनट, आपको अगर जूम करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि कुछ समय पहले टोटल फ्रोजन कितना था, लगभग 208, और जिसका अर्न बराबर 0.08 था, वो लगभग 22,000 का रिवॉर्ड अर्न कर पा रहा था। अभी जिसके पास 0.08 है, वो $22 नहीं, ऑलमोस्ट 6-7 डॉलर का रिवॉर्ड अर्न कर पा रहा है। तो हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए, हमारा प्लानिंग क्या होना चाहिए, हमें डे वन में अपने अर्न पावर को इंक्रीज करना है, पे आउट करना है डेली, मतलब हमें हर वीक हर मंथ हम अपने बुल टोकन की संख्या को इंक्रीज करना है। यही माइंडसेट के साथ हम लोगों को आगे बढ़ना है, क्योंकि जो डे वन में जो रिवॉर्ड था उस रिवॉर्ड को आपको लगातार करना है, वो टोटल फॉर्जन स्प्लिट की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, तो हमें भी अपने टोकन जो फ्रीजिंग किए हैं वो धीरे 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 बढ़ रहा है। अब ये मेरा स्क्रीनशॉट है, मेरे पास कितना है, 0.08, मेरा रिवॉर्ड $22 का है, ये 2 दिन का रिवॉर्ड है, लगभग $10 मुझे डेली आ रहा था जब मेरा अर्न पर आवर 0.08 था। आज मेरा अर्न पर आवर 16 है, 0.16, फिर भी मेरा रिवॉर्ड $10 आ रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि कंपटीशन जब बढ़ रहा है तो मुझे अपने मेहनत को भी बढ़ाना पड़ेगा। अगर मैं रुक गया, मुझे मेरा रिवॉर्ड धीरे 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 घटेगा, वो बढ़ेगा नहीं रिवॉर्ड, तो हमें अपने मेहनत को कंटिन्यू करना पड़ेगा और करना पड़ेगा। क्यों और करना पड़ेगा, क्यों स्पीड करना पड़ेगा, क्योंकि जब 16 सितंबर पहला जब सेशन हमारे पास आया था, हमें पता नहीं था कि बुल टोकन हमें क्या देगा, तो हमारे पास वो जो कॉन्फिडेंस थे, हमारे पास बिलीव था, हमारे पास जो मेहनत थे वो कम था, क्योंकि पता नहीं था कि क्या मिलने वाला है रिवॉर्ड। आज रिवॉर्ड पता है कि हमें क्या मिलने वाला है, तो हमारा मेहनत क्या करना पड़ेगा दोस्तों, बड़ा करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा, हमें टाइम और ज्यादा देना पड़ेगा प्रोजेक्ट के ऊपर, जिससे हमारा जो रिवॉर्ड है वो कंटिन्यू और भी बेहतरीन हो सके और कंटिन्यू आ सके दोस्तों हम सभी लोगों को। इस प्रकार का माइंडसेट हम लोगों को बिल्ड करना है,
अपने अर्न पर आवर को इंक्रीज करना है, गेम में एक्टिविटी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है। कैसे हम लोग अर्न पर आवर को इंक्रीज कर सकते हैं? तो अभी ज्यादा टाइम नहीं हमारे पास, 5 दिन है। 5 दिन में आप फैसला कर सकते हो क्या मेहनत करोगे आप। उसके बाद भले हमें हमारे पास जो रिवॉर्ड है वो पे आउट होना बंद हो रहा है, लेकिन सेशन खत्म नहीं हो रहा, तो हमारे पास प्लान होना चाहिए कि जब फरवरी में नेक्स्ट पे आउट आएगा उस समय क्या कितना बुल टोकन हमारे पास अवेलेबल रहेगा पे आउट करने के लिए। अभी पॉइंट में कम नहीं चलने वाला है। फरवरी में आपको 1, 2, 3 ये प्लान करना पड़ेगा कि बुल टोकन आपके पास कितने होने चाहिए। 1 बुल टोकन, 2 बुल टोकन, 3 बुल टोकन, 4 बुल टोकन, इस प्रकार का प्लान करना पड़ेगा आपको। तो सोच सकते हो मेहनत कितना करना पड़ेगा हम सभी लोगों को। तो अगर आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा आप सभी लोगों को, तो ज्यादा आपको रिवॉर्ड आने वाला है। ये सारा चीज हम सभी लोगों को समझना है। और मैं हमेशा बताया हूँ, जो टोकन में जो रिवॉर्ड आया है वो हमारा अल्टीमेट टोकन में रिवॉर्ड आ रहा है, वह जिसका प्राइस $6,500 है। ये टोकन का प्राइस ग्रोथ होने वाला है। और ये अल्टीमा के बारे में मैंने हमेशा बताया आपको कि अल्टीमा क्या है, हम सभी लोगों को समझना है और अपने किस प्रकार से हम लोग अल्टीमा का यूज कर सकते हैं और अपने एसेट को और भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हाउ टू अर्न मनी, जितना ज्यादा आप लोग मेहनत करोगे, जितना ज्यादा आपका पास एक्टिविटी रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, अपना बुल टोकन को बढ़ा सकते हो। उसके बाद आप किस प्रकार से आया हुआ रिवॉर्ड को, इस प्रकार से अपने फाइनेंस को प्लान करते हो, अल्टीमा को किस किस जगह पे आप सही तरीका से यूज कर रहे हो, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कि आप उसे खर्च किस प्रकार से कर रहे हो, उसे आप होल्ड कर रहे हो तो कैसे होल्ड कर रहे हो, इसका पीछे क्या वजह है, क्या फ्यूचर है, क्या ग्रोथ का यहाँ पे प्लान है, जो टोकन हमेशा ऊपर जा रहा है और कितना ऊपर तक जाएगा, हम लोगों को कब एग्जिट होना है, कब एंट्री होना है, हर एक स्टेप हम लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों, जिससे हम लोग अपने एसेट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अपने प्रॉफिट को बड़ा कर सकते हैं। इसके लिए हम लोगों को रेगुलर मीटिंग में आना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा, चीजों को जानना पड़ेगा, हर एक अपडेट्स को हम लोगों को फॉलो करने की जरूरत है, जो हमें टेलीग्राम पे मिल रहा है, हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल रहा है, और उस पर प्लानिंग करने की जरूरत है। अगर समझ में ना आए उसे जूम में पूछने का जरूरत है, सर इस प्रकार से कैसे होगा, क्या प्लानिंग कर सकते हैं हम सभी लोग, उसका आंसर आपको दिया जाएगा। कहाँ पर दिक्कत हो रहा है हर एक सोल्यूशन आपको इस जूम के माध्यम से दिया जाएगा दोस्तों। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरी चीजों को ध्यान से सुना, ध्यान से समझा, और किसी कोई भी क्वेश्चन है तो आप जरूर हैंडरेज कीजिए। सिर्फ हमारे पास 5 मिनट है हैंडरेज करने का, क्योंकि हम लोग काफी एक्टिव यहाँ पे रहेंगे चीजों के ऊपर। थैंक यू दोस्तों।